नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आनंद वाली लाइफ के एक नाम का व्लॉग में। देखिए इस व्लॉग में अभी हम अभिषेक बाबू के रूम पे देख रहे हैं, पीछे में पूरा स्टूडियो वाला फीलिंग है, तो समझ लीजिए इन्हीं के रूम पे बॉडीगार्ड लग रहे हैं। हम आपको बताएं दोस्तों, हम जब से दिल्ली आए तब से हम रूम ही ढूंढ रहे हैं, तो आज भी उसी काम पे निकलना है, रूम ढूंढने दोस्त। इतना चिल्ला के इसीलिए बोल पा रहे हैं कि अपने रूम पे तो है नहीं, दिक्कत क्या, नीचे मंडी थोड़े सुनेगी। चलिए अब रूम ढूंढते, मंडावली एरिया हो गया दोस्तों, बता देना ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं यहाँ रूम सब का क्या सीन है, और सामने वहाँ भी चलना, थिएटर भी दिखाने अभिषेक बाबू को। हम तो पिछले ब्लॉग में आप देखेंगे मजा आ गया होगा, अभिषेक बाबू कभी नहीं देखे हैं। चलिए आज चलते हैं पहले रूम देख। दोस्तों उधर से आने के बाद हम आपको इस रूम का टूर देंगे, इनका जो रूम है बहुत शानदार रूम है, उधर से आने के बाद देंगे। दोस्तों इनका सीढ़ी सब भी देख रहे हैं, सीढ़ी सब भी एकदम बवाल है, साफ सुथरा रहता, बालकनी में डायरेक्ट धूप। दिल्ली में साला धूप लगाने के लिए 3-4 किलोमीटर हमको जाना पड़ता है। सीढ़ी बहुत अच्छा है रूम, ये तो 1100 फुट। कितना बढ़िया लग रहा है भाई, लेकिन धूप में ये सेल्फी ले लेते हैं। सन किस्ट होता है ना, सन किस्ट सनफक। चलिए अब चलते हैं रूम देखते हैं। इसी एरिया में देखिए दोस्तों, इस एरिया में रूम इसीलिए देखने आया क्योंकि सस्ता मिलता है, आप तो जानते हैं हम कितना गरीब टाइप के। इसी बात पे दोस्तों हमारी समझ कराई। अभी इस फ्लोर से लड़की सब निकल के पूछ रहे थे चैनल का नाम क्या। सही में ना निकल जाए, मजाक कर रहे थे दोस्तों। ये एरिया का नाम है करिया कुत्ता, लेकिन करिया गाय अभी बैठा हो, कुछ भी रहेगा तो करिए रहे, कुछ देर में करिया चीता दिखा देंगे। करिया हाथी तो है यार। करियापन है, हम भी करियापन है, वो भी करियापन है, अरे तीनों शकलों से करियाई बात नहीं देख रहा है। ये बातें बताई नहीं जाती। अभी एक रूम के सामने टॉयलेट लिखा हुआ था, तो टिंग टिंग बजा दिए, अंदर से निकला पूरा एकदम इजार लेने लगा, मेरा ढोनी के घास लेके पीठ के तिल सब कुछ पूछ लिया। उसके बाद मेरा कास्ट पूछा, आपसे मिलते हैं एक मिनट, कास्ट बताए तो बोलता है नहीं देंगे, अब अपना कास्ट रिवील नहीं करते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा कास्ट मेरा हो सकता है, देखने बाद रूम नहीं दिया। दोस्तों अलग ही अलग बात हो रहा, दूसरा रूम में गए वहाँ बोलता आप लोग मोहम्मदम है, हम बोले नहीं हम लोग हिंदू है, तो बोला ठीक है। पहली बार ही हम लोग फेस कर रहे हैं, सही बता, हमको जात पात निकालना, पैसा लो रहे, सिंपल सा बात है, सोचे भी नहीं थे दिल्ली में सब चीज देखना पड़ेगा। दोस्तों बहुत बोलता है की हाई सोसाइटी में कास्ट सिस्टम नहीं होता, लेकिन सब जगह वही होता, लेकिन ये एरिया दोस्तों दिल्ली में आता भी नहीं है, हम तो नहीं इंक्लूड कर रहे। सहरसा हुआ, सहरसा का भी छोटा है। दोस्तों रात के खाना का जुगाड़ हो गया, पीछे में टेंट लगा हुआ, क्या आएगा ना रे। दोस्तों 2-3 जगह टॉयलेट लिखा हुआ है, तो एक बच्चा उठाया कॉल किए, तो बोलती है अभी गेम खेल रहे, फोन रखिए आप, गजब बेइज्जती है। दोस्तों यहाँ पे अलग विज्ञान सब है, रूम सब के सामने लिखा है ओनली फॉर हिंदू, तू निकलता है बोलते है जय श्री राम, मुस्लिम वाला ढकढकाते ही नहीं है, बहुत टेंशन। और जैसे 5-6 मंजिल का है, तो देख लेते किस पे कपड़ा टंगा हुआ, मानिए किसी में टंगा हुआ नहीं, हम समझ लेते हैं कि नहीं वो रूम खाली है। इसका आंसर है मैंने दिया कि मान लीजिए कि मेरे को कपड़ा खींचने का मन नहीं है, मेरे बालकनी में कपड़ा नहीं ला रहा हुआ, इसका मतलब क्या, मतलब रूम खाली है, वो बात लॉजिकल कर रहा है। दोस्तों देखिए ये स्कूल है समझे, वो हम सरकारी स्कूल, विश्वास हो रहा है क्या, वेल मेंटेन्ड। ये लड़का भी सरकारी है, पढ़ा इंग्लिश बोल के दिखो एक बार। माय नेम इज रुपित एंड आई एम फ्रॉम भागलपुर बिहार, आई एम बिग फैन ऑफ आनंद वाली लाइफ। बिल्डिंग सब देखिए, देख रहे हैं दोस्तों, बिना एसी का तो बिल्डिंग नहीं दिखता इधर। दोस्तों एक और टेंट दिखा, आज लगता है खाना का भांज हो जाएगा। दोस्तों ये रूम देखने आए, रूम बताइए कैसा है, फोर्थ फ्लोर पे है समझे, 10,000 मांग रहा है इसका, पीछे में किचन सब, दामे बहुत बोल रहा है, अगर इसको बोल देंगे कि रूम 5,000 में दे दीजिए तो हम लोग KLPD कर देंगे। तो पसंद आ गया भाई, जो कहने से जो रूम हम लोग को पसंद आ रहा है वो रूम का गांधी जी हम लोग को पसंद नहीं कर रहे हैं, मतलब ठीक है थोड़ा सा बजट बढ़ाएंगे, हो जाए, बहुत टेंशन वाली बात है दोस्तों, मन कर रहा सहरसे में जाके रूम ले ले। अच्छा वहाँ पे तो अपना है ये रूम, तो देखिए बहुत बढ़िया था, एक रूम अभी था 8,500 रुपया दाम था, बड़ा हॉल था, किचन था, फुली फर्निश लग गया, बहुत ज्यादा शानदार था, लेकिन दोस्तों वही गांधी जी थोड़ा आउट ऑफ औकात जा रहे थे। उसके बाद ऊपर का लाइट वाइट भी अच्छा था, देखे ना सीलिंग लाइट सब बढ़िया था, तारों का शहर बनाया हुआ था दोस्तों। चलिए अब घर चलते हैं, हाउस हंटिंग यहीं पे समाप्त करते हैं, थोड़ा देर में चलेंगे वो मंडी हाउस ड्रामा देखने। क्या दोस्तों शाम का बेला हो गया, 5:30 बज गया दोस्तों, अब चलना अंधेरा कमरा सच्चा प्यार देखने के लिए, साथ में इन लोग को भी लेके जा रहे, क्या हुआ एक्साइटेड, ऐसे कौन एक्साइटमेंट एक्साइटेड। चलिए दोस्तों आपको तो कल वाले ब्लॉग में दिखाए थे।
इसका आगे चलते रहा। चलिए दोस्तों मंडी हाउस चलना है। देखिए हीरो बनने के लिए ना हीरोगिरी वाला चीज सब देखना पड़ेगा, ये सब थिएटर सब ना बहुत मुश्किल है दोस्तों, बहुत ज्यादा मुश्किल। मानिए कैमरा के पीछे अगर आप एक्टिंग करते हैं तो उसमें 10-20 टेक ले लिए, इस बार खराब हो गया, फिर से काट के नया से शुरू कर दिया। थिएटर में आपको एक बार में सब कुछ, जो स्टेज पे चढ़ गया आपको डायलॉग सही लेना पड़ेगा। कल जो हम देखने गए थे वाला ड्रामा, उसमें इतना परफेक्शन से किया था कि अगर वो लोग कुछ गलती भी करता लगता है स्क्रिप्ट का पार्ट ही है। समझ रहे हैं किस लेवल पे वो लोग कर रहा है। क्या विपरीत बाबू। चलिए दोस्तों देखते हैं, रूम का तो कुछ नहीं हुआ, ये दोनों साथ में करते हैं क्या दोस्तों। रुको रुको फिर 1 2 3 देखिए 1 2 3 देखिए दोस्तों। चलिए तो सुबह से तो हम भूखे ही हैं, हम सोचे थे ये कुछ खिलाएंगे यहाँ आगे, ये बोल रहे बा तो हम गरीबी रेखा से 2 कदम और आगे चले गए। लेकिन एक बात अपना लोग करना चाहिए, सत्तू बांध के चलना चाहिए, कहीं पानी ले लो, लेकिन उसमें डिजाइन नहीं था, पैसा तो बहुत है अपने पास, लेकिन अभी याद आता है भाई सत्तू ले लेना चाहिए। देखिए मम्मी का बात मानना चाहिए ना। आज हम लोग जब भारत भ्रमण पे निकलेंगे इनको भी साथ लेके जाएंगे, तब सत्तू लेके जाएंगे, जहाँ मन होगा पानी चाहिए, सबसे सस्ता सबसे सस्ता, एक ग्लास पी लो दिन भर का भूख मिट गया, चीनी भी ले लेंगे, उसका मुठला बना के भी खा सकते, समझे समझे। दोस्तों हम यहाँ पे मोजा पहन रहे हैं, ये लोग है यहाँ पे खा रहा है, मोटका आदमी सबका यही है, देखिए टांग से उठा के उसको खाएगा, हो बाप। जानते हैं दोस्तों ये लोग खाना नहीं खिलाया हमको, कम बुरा लगा, साला पानी तक भी नहीं पिला, पानी मेरा प्यास कंठ सूख गया दोस्तों, ढक प्यास लग गया लेकिन पानी नहीं पिला। अब झाड़ू बोल रहे सुनिए नहा भी लीजिए एक बार। देखते हम कैमरा चालू, अभी क्या बोला था क्या, अभी हम बोले इसको रुको अभी प्रीत वीडियो बनाएंगे, बोलता नहीं ना अभी आप पे लिएगा, हम बोले पेड़ सुनो फैक्ट बता रहे हो, देखो पीछे में गाय देख रहा है, अरे नहीं सुनो ना फैक्ट बताते, दुनिया में जानते हैं दुनिया में जितना आदमी शार्क से नहीं मरा है उतना आदमी गाय से मरा। फैक्ट बता दिए दोस्तों जल्दी सब्सक्राइब करेंटरेस्टिंग अबाउट कॉ एंड शार्क्स। अगर हमारे चैनल को अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो नहीं भी लगे सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, पागल हो गया है, दूसरा चैनल पे डालिएगा, इसी सब इसी डालेंगे BFO। दोस्तों इसके घर से जो बस स्टैंड पे आए हमको लग रहा है सहरसा से डायरेक्ट दिल्ली पहुंच गए, देख रहे हैं ये भी मिल गया। साफ सुथरा है वो बस भी आ गया दोस्तों, रौला देख रहे हैं पहुंचते हैं बस वाला रोक देता भैया। दोस्तों जानते हैं दिल्ली के बस में महिलाएं के लिए फ्री है, पूरा फ्री, कहीं भी जाइए कहीं भी आइए, हमको जानते यही सब बात जानने के बाद हम करता साड़ी ब्लाउज पहन के आए यहाँ। दोस्तों मंडी हाउस पहुंच गए, यही वाला पोस्टर देख ले, इसी वाला पोस्टर का प्ले देखने जाना, हम जीवन में कभी नहीं सोचे थे कि थिएटर प्ले एक प्ले दो बार देखने जाएंगे, हम आज तक मूवी वो भी 2 घंटा का मूवी आज तक देखने नहीं गए होंगे दो बार एक, लेकिन थिएटर प्ले लोग इतना बवाल बनाता है क्या जा रहे। यही हुआ NSD का गेट, इधर लाइन में लगा हुआ है, यहीं से जाके टिकट लेना है सीट वाला। दोस्तों हम लोग रोला जमा की अंकल को भी साथ में लेके आएंगे, धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, देख रहे हैं अब हम लोग साथ में देखेंगे अंधेरा कमरा में सच्चा प्यार। चलिए दोस्तों एंट्री हो गया, अब आपको आपको तो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि अंदर में अलाउड नहीं है दोस्तों, बाकी हम लहरिया लूटते हैं। दोस्तों हम आए और बिहारी नहीं बजे तो कैसे होगा। अभी इंटरवल हुआ है और ई करने में ना UPSC निकालने में ज्यादा हिम्मत चाहिए जो स्टेज पे करता, देख रहे अंदर से ऐसा रहता ऑडिटोरियम। भूमिका में आई लव यू। दोस्तों उन लोग का ड्रामा हमको इतना पसंद आया कि ये राजभोग खाने आ गए। तो गेंद है गेंद,
लाल बटन को दबाना ना भूलें।